जब चारों भाई खेलते थे तो लक्ष्मण राम की तरफ उनके पीछे होता था और सामने वाले पाले में भरत और शत्रुघ्न होते थे। तब लक्ष्मण हमेशा भरत को बोलते कि राम भैया सबसे ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं, तभी तो वो हर बार अपने पाले में अपने साथ मुझे रखते हैं। लेकिन भरत कहते थे, नहीं, राम भैया सबसे ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं, तभी वो मुझे सामने वाले पाले में रखते हैं ताकि हर पल उनकी नज़रें मेरे ऊपर रहें, वो हर पल मुझे देख पाए, क्योंकि साथ वाले पाले को देखने के लिए तो उनको मुड़ना पड़ेगा। फिर जब भरत गेंद को राम की तरफ उछालते तो राम जानबूझकर गेंद को छोड़ देते और हार जाते। फिर अयोध्या नगरी में उपहार और मिठाइयाँ बांटकर खुशी मनाते। सभी पूछते, राम जी आप तो हार गए, फिर इतने खुश क्यों हैं? राम बोलते, मेरा भरत जीत गया। फिर लोग सोचते, जब हारने वाला इतना कुछ बांट रहा है तो जीतने वाला भाई तो पता नहीं क्या कहने देगा। लोग भरत के पास जाते हैं, लेकिन ये क्या, भरत तो लंबे लंबे आंसू बहा रहे हैं। लोगों ने पूछा, भरत जी आप तो जीत गए हैं, फिर आप क्यों रो रहे हैं? भरत बोले, देखिए मेरी कैसी विडंबना है, मैं जब भी अपने प्रभु के सामने होता हूँ तभी जीत जाता हूँ। मैं उनसे जीतना नहीं, मैं उनको अपना सब कुछ हारना चाहता हूँ। मैं खुद को हारकर उनको जीतना चाहता हूँ। इसलिए कहते हैं, भक्त का कल्याण भगवान को अपना सब कुछ हारने में है। सब कुछ समर्पण करके ही हम भगवान को पा सकते हैं। एक भाई दूसरे भाई को जिताकर खुश है और दूसरा भाई अपने भाई से जीतकर दुखी है। इसलिए कहते हैं कि खुशी लेने में नहीं बल्कि देने में है। जिस घर में भाई भाई मिलकर रहते हैं, भाई भाई एक दूसरे का हक नहीं छीनते, उसी घर में राम का वास है। जहाँ बड़ों की इज्जत है, बड़ों की आज्ञा का पालन होता है, वहीं राम है। जब एक भाई ने दूसरे भाई के लिए हक छोड़ा तो रामायण लिखी गई, और जब एक भाई ने दूसरे भाई का हक मारा तो महाभारत हुई। इसलिए असली खुशी देने में है, छीनने में नहीं। हमें कभी किसी का हक नहीं छीनना चाहिए, ना ही झूठ और बेईमानी का सहारा लेना चाहिए। जो भी काम करें उसमें सत्य निष्ठा हो, और यही सच्चा जीवन है, यही राम कथा का सार है।